आशुस कुकिंग मैजिक से मैं आशु आज आपको तिल गुड़ के लड्डू बनाने की बहुत ही आसान विधि बताऊंगी। ये लड्डू आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने से पहले मैं आपको कुछ सामग्री दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम सफ़ेद तिल लिया है, जिसको कि मैंने साफ कर लिया है, चुन भी लिया, देख लिया इसमें कुछ दाने तो नहीं है, काले कंकड़। और 200 ही ग्राम हमने गुड़ लिया है। गुड़ और तिल की मात्रा बिल्कुल बराबर रहेगी। गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे कि इसको मेल्ट करना आसान रहेगा। साथ ही में मैंने रोस्टेड मूंगफली ली है, वो भी मैंने आधा कप से थोड़ी ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालिए, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2-3 चम्मच हमने यहाँ पे पानी लिया है और 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, आधा चम्मच मैंने पीसी इलायची पाउडर लिया है। तो बस इन्हीं सब सामग्री के साथ हम तिल गुड़ के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को अब हम गैस पे रख देंगे, गैस की फ्लेम लो फ्लेम पे रखेंगे और अब हम इसमें 200 ग्राम सफ़ेद तिल डाल के रोस्ट करेंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तिल को हमें बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो तिल हमारे जल जाएंगे, उनका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तिल जो है उनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। वैसे तो रोस्ट करने पे तिल का कलर चेंज होगा, हल्के से ये बादामी रंग के हो जाएंगे, उससे थोड़े से डार्क कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल लाल नहीं करना है। बस इसको लो फ्लेम पे आप लगातार चलाते हुए रोस्ट करिए। 4 से 5 मिनट में आपके तिल रोस्ट हो जाएंगे और रोस्ट जब ये हो जाते हैं तब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये थोड़े से फूले हुए दिखते हैं और इनमें चमक आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे तिल रोस्ट हो चुके हैं, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। बंद फ्लेम पे भी अब हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। तुरंत ही अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे तिल बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसे साइड में कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मूंगफली के दाने रोस्टेड हमने लिए हैं आधा कप से कम, उसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। क्रश करने से इसके लड्डू बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे क्रश कर लिया है। तो चलिए अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो अब हम गुड़ को मेल्ट करते हैं। तो सेम उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ भी लो ही रखेंगे और 200 ग्राम गुड़ जो है, जिनको कि हमने छोटे छोटे टुकड़े में काटा था, उसे अब हम डाल देंगे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। गुड़ को भी आप लो फ्लेम पे ही मेल्ट करिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि गुड़ में पानी हम इसलिए डालते हैं जिससे कि गुड़ जले नहीं। तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, गुड़ को हमें बस मेल्ट करना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल के हम इसको मिला देंगे। अगर हम गुड़ को बहुत ज़्यादा पका देंगे तो गुड़ बहुत टाइट हो जाएगा और उससे हमारे लड्डू बहुत टाइट बनेंगे। तो लड्डू हमें सॉफ्ट बनाना है तो इसके लिए हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना। तो यहाँ पे देखिए गुड़ का टेक्सचर चेंज हो चुका है, हल्का लाइट कलर हो रहा है और इसमें झाग पैदा हो रही है। बस इतना ही हमें गुड़ को पकाना है। तो बस इसी टाइम पे हम जो भी काम करेंगे बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें झाग आ रहा है। तो बस अब हम इसमें सारी चीज़ें मिला देंगे। तो जो क्रश की हुई मूंगफली के दाने थे उसको हम इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। अब हम इसमें रोस्ट की हुई तिल डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी मिलाएंगे गुड़ में। गैस की फ्लेम लो रखिएगा बिल्कुल, गैस को यहाँ पे हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़ ठंडा होके बहुत जल्दी जमने लगता है। तो हल्का गर्म रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारा मिक्सचर आपस में बहुत अच्छे से मिल पाएगा। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे हम गैस को रख के इस मिक्सचर को फटाफट मिला रहे हैं और गरम गरम में ही हमको लड्डू बनाना है, क्योंकि गुड़ ठंडा होके जम जाता है। तो यहाँ पे मिक्सचर बहुत अच्छे से मिल गया है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी लड्डू बनाना, जिससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ठंडा पानी आप बगल में रखिए, पानी से अपने हाथ पे लगा लीजिए ठंडा ठंडा और मिक्सर को थोड़ा थोड़ा लीजिए और फटाफट लड्डू बाइंड करना शुरू कर दीजिए। बस बहुत जल्दी लड्डू बन जाते हैं, बस पानी आप हाथ में लगाते रहिए ठंडा ठंडा और इस तरह से लड्डुओं को थोड़ा सा हाथ की हथेली में रख के ऐसे रोल करिए, तो इससे आपके लड्डू बिल्कुल प्रॉपर शेप में बनेंगे।
तो बन गए ना तिल के लड्डू। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। लेकिन तिल के लड्डू बनाने में ना एक प्रॉब्लम आती है, जब वो मिक्सर थोड़ा सा बचता है और वो ठंडा होने लगता है। तो यहाँ पे आप इस मिक्सर को फिर से कढ़ाई को गैस पे रख के हल्का सा गर्म करके आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे सारे लड्डू बन गए हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्ट तिल का गुड़ का लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो देर किस बात की है, जल्दी से आप लोग भी बनाइए इस मकर संक्रांति पे गुड़ तिल के लड्डू और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।